हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने पर्सनली 5 पॉइंट देने का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। आज की वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 3 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां क्वेश्चन है। यहाँ पर डी बराबर मतलब सार्वंतर दे रखा है अपने को 5 + 9 मतलब 9 पदों का योग दे रखा है। 75 अपने को ज्ञात करना है प्रथम पद और A9 मतलब 9वां पद ज्ञात करना है। तो अपने को जो पहले दे रखा है उससे सोल्व करेंगे अपन। S9 दे रखा है मतलब तो SN बराबर क्या होता है दोस्तों, N/2 2A1 प्लस N-1D, ये फॉर्मूला होता है SN बराबर N पदों का योग का सूत्र। ठीक है, तो अब अपने को S9 दे रखा है तो S9 तो यहाँ पर SN है तो N बराबर N/2 रखते हैं तो यहाँ पर 9/2 2A1 ज्ञात नहीं है अपने को तो 2A1 प्लस N-1 तो N के स्थान पर क्या रखते हैं अपन, यहाँ पर S9 है तो 9-1 डी के स्थान पर 5। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। S9 बराबर कितना दे रखा है अपने को, 75 दे रखा है तो 75 बराबर 9/2 2A1 प्लस 9 में से एक गया तो 8 और 8 × 5 = 40 हो गया। तो यहाँ से वज्रगुणा करेंगे अपन, 2 को 75 के साथ तो कितना हो जाएगा 150 इक्वल टू 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 2 = 18 A1 प्लस 9 × 4 = 36 360। अब 18 A1 बराबर 150 - 360, ये 360 उधर दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 150 - 360। तो अब यहाँ पर 18 A1 बराबर 150 - 360 तो 150 में से 360 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 0 1 और 210 बच गया। कितना बच गया दोस्तों, 210 बच गया माइनस का, वो भी इक्वल टू 18 A1। यहाँ से A1 बराबर माइनस का 210 बटे में 18, कितने से कटेगा ये, 3 × 6 = 18 × 3 = 21 माइनस का 70/6। अब यह बस 2 से कटेगा, 2 × 3 = 6 2 × 3 = 6 2 × 5 = 10 तो कितना आ गया अपने पास में, A1 बराबर माइनस का 35/3 A1 मिल चुका है अपने को माइनस का 35/3। अब अपने को क्या याद करना है, A9 क्या याद करेंगे तो A9 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, A1 + 8D क्या हो जाएगा, A1 + 8D। अब ये किस प्रकार से लिखा होगा मैंने, तो यहाँ पर An बराबर फॉर्मूला होता है A1 + N-1D। N के स्थान पर मैं यदि 9 रखता हूँ यहाँ पर तो 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8D हो जाएगा, तो ये वापस बन जाएगा। अब A9 ज्ञात करना है तो A9 ज्ञात करना है अपने को तो इक्वल टू A1 कितना है माइनस का 35/3 प्लस 8 × D कितना है 5 तो 8 × 5 = 40 A9 बराबर माइनस का 35/3 प्लस 40। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा 3 आएगा तो 3 × 3 = 35 माइनस का 35 1 × 3 प्लस यहाँ पर तो प्लस 1 का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार देगा, 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेगा 3 × 6 = 12 तो 120। अब 120 में से अपने को 35 घटाना है तो कितना बचेगा यहाँ पर 5 और 11 में से 3 गया तो 8/3 कितना बचा दोस्तों, 85। और 8 और 5 कितना होता है 13 हो जाए तो यहाँ पर 3 का भाग नहीं जाएगा तो A9 बराबर कितना मिला अपने को 85/3। आइयो की चीज़ आपके समझ आएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अपने पास में अगला क्वेश्चन है यहाँ पर A बराबर 2 दे रखा है, 2 सार्वंतर दे रखा है अपने को, D बराबर 8 और Nवें पदों का योग कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। अपने को ज्ञात करना है N का मान और Nवें पद ज्ञात करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। अपने को ध्यान है कि SN बराबर N पदों का योग होता है N/2 2A1 + N-1D। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब अपने को क्या क्या दे रखा है वो यहाँ पर रखते हैं। SN दे रखा है अपने को 90, रखते हैं मान 90 बराबर। N का मान नहीं दे रखा है अपने को तो N/2 2A1 कितना दे रखा है 2 दे रखा है प्लस N नहीं दे रखा है तो N-1D का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर वज्रगुणा करेंगे अपन तो 2 को 90 के साथ और 1 को इसके साथ तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 2 = 18 तो कितना हो जाएगा 180 बराबर, ये N है। अब इसको थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो 2 × 2 = 4 N प्लस ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो 8N × N - 8 × N। ठीक है, ये कर लिया अपन ने। ये चीज़ आपके शायद समझ नहीं आई होगी तो किस प्रकार किया मैंने, पहले 2 × 2 कितना हो जाएगा 4N, 4 हो जाएगा, फिर
इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 8 हो जाएगा, 8n माइनस 8 हो जाएगा। अब ये n अंदर मल्टीप्लाई होकर तो n 4n के साथ, 4 के साथ और क्या, तो 4n हो जाएगा। फिर इसके बाद में 8n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8n इंटू n, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, 8n स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर माइनस का 8 है, इसके साथ n मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8n। अब यहाँ पर देखो आगे क्या हो रहा है, आगे तो 4n माइनस का 8n, तो 4n में से माइनस का 8n जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 4n, तो 8n स्क्वायर माइनस 4n इक्वल टू कितना है, 180 है। तो अब ये 180 है तो मैं इसको उठाकर दूसरी तरफ भी लेकर आ जाऊंगा इसको भी, तो माइनस का 180 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर 4 कॉमन आ रहा है सभी के अंदर, तो 4 कॉमन निकालेंगे दूसरी तरफ भेजेंगे तो 2n स्क्वायर, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 2n स्क्वायर माइनस एन माइनस 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करें ऐसा टुकड़ा कि अपने को मल्टीप्लाई करने पर 90 मिल जाए और गुणा करने, जोड़ने और घटाने पर वापस क्या मिले अपने को, माइनस का एन। तो टुकड़े करता हूँ मैं यहाँ पर, ये एक द्विघात समीकरण है, तो टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो माइनस का एन दे रखा था, यानी कि माइनस 1n था, उसके टुकड़े मैंने किस प्रकार कर दिए, माइनस का 10n प्लस 9n। यदि मैं वापस इसको सोल्व करता हूँ तो वापस मेरे को यही पोजीशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस 2 पंजे 10, यानी कि 5, यहाँ पर 2n कॉमन आ रहा है दोस्तों, क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, 2n कॉमन आ रहा है, 2n निकाला यहाँ पर से, 2n का भाग देंगे तो n माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 5 प्लस यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर n माइनस 9 पंजे 45 से 5 बच गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो n माइनस 5 और n माइनस 5 दोनों जगह कॉमन है बाहर निकाल लेते हैं, n माइनस 5 कॉमन निकाला बाहर, यहाँ पर क्या बच गया, 2n यहाँ पर क्या चाहिए बच गया, प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो चीज़ें मल्टीप्लाई के अंदर और दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो या तो क्या होगा, n माइनस 5 इक्वल टू 0 या 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n बराबर 5 और यहाँ से n बराबर माइनस का 9 बटा 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पर अपन मान लेंगे n बराबर 5, ठीक है। अब अपने को n तो ज्ञात हो गया, अब an ज्ञात करना है, an मतलब a5 ज्ञात करना है अपने को, a5 क्या हो गया दोस्तों, a1 प्लस 4d। अब a1 ज्ञात है अपने को, क्या है, 2 है, प्लस 4 इंटू डी कितना है दोस्तों, 8 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 प्लस 8 चौक 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34, तो a5 बराबर कितना मिला अपने को, 34 मिला। आई होप की चीज़ आपके समझ आ गई होगी, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, a बराबर दे रखा है 8, an बराबर दे रखा है 62 और sn बराबर दे रखा है 210, और n अपने को ज्ञात करना है और सारवंतर भी अपने को ज्ञात करना है। अपने को पता है कि sn n पदों का योग होता है n बटे में 2, a1 प्लस an मतलब प्रथम पद और अंतिम पद। अब यहाँ पर यह फॉर्मूला क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पर मेरे को प्रथम पद दे रखा है और अंतिम पद भी दे रखा है, तो sn कितना है यहाँ पर 210 बराबर n ज्ञात नहीं है तो n बटे में 2, a1 कितना है 8 प्लस an वा पद कितना दे रखा है 62 और 8 कितना हो जाएगा 70, तो 70 हो गया दोस्तों। अब ये 70 हो जाएगा टोटल, तो 70 को मैं 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 35 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 35n बराबर 210, n बराबर 210 बटे में 35, तो यहाँ पर 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35 और 7 या 21 30 आ गया, 5 6 30, n बराबर कितना मिला अपने को, 6 मिल चुका है। फर्स्ट वैल्यू अपने को ज्ञात हो गई, अब अपने को सारवंतर निकालना है, तो क्या दे रखा है अपने को, n वा पद दे रखा है, तो ए एन बराबर क्या होता है दोस्तों, ए वन प्लस एन माइनस वन डी होता है। ए एन कितना दे रखा है, 62 दे रखा है बराबर, ए वन कितना है 8 है प्लस एन कितना आ गया, 6 आ गया अपने पास में, कितना है 6 माइनस वन, डी के स्थान पर कितना रखेंगे अपन, कुछ नहीं रखेंगे, ज्ञात करना है, तो 6 में से एक गया तो 5 डी हो जाएगा, 5d प्लस 8 बराबर 62, ये 8 दूसरी तरफ जाएगा, 5d बराबर 62 माइनस का 8 कितना बचेगा, अब यहाँ पर 62 में से 8 जाएगा तो 2 गया तो 2 ये हो जाएगा 54, d बराबर
54, कितना बच गया दोस्तों, 54 बच गया 5d बराबर, तो यहाँ से d बराबर 54/5, तो 10.8 कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर 10.8, d बराबर 10.8 आ गया। आई होप की चीज आपके समझ आई होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास में an बराबर दे रखा है 4, d बराबर दे रखा है 7, दे रखा है अपने को 2 और n वा पदों का योग दे रखा है माइनस का 14, अपने को n और प्रथम पद ज्ञात करना है। तो जो दे रखा है अपने को वो ज्ञात करते हैं पहले। तो यहाँ पर an दे रखा है, तो an बराबर क्या होता है दोस्तों, a1 प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर अपन मान रखते हैं an बराबर दे रखा है 4, a1 अपने को ज्ञात करना है प्लस एन भी अपने को नहीं दे रखा, तो एन माइनस वन डी के स्थान पर क्या रखेंगे अपन, 2 रखेंगे। अब उसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो a1 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, ये माइनस का 2 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा दूसरी तरफ जाने पर, तो a1 प्लस 2n बराबर 6। तो यहाँ से a1 बराबर कितना मिलेगा दोस्तों, 6 माइनस 2n, तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर फर्स्ट, नाम दे दिया अपन ने। अब अपने को दे रखा है एस एन पदों का योग कितना होता है, एस एन बराबर होता है दोस्तों एन बटे में 2 ए वन प्लस ए एन। अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया दोस्तों, क्योंकि अपने को एनवा पद दे रखा है और प्रथम पद अपन ने ज्ञात कर लिए समीकरण से। तो चलिए अब इसमें मान रखते हैं, तो एस एन बराबर दे रखा है माइनस का 14 इक्वल टू एन बटे में 2, ए वन कितना है 6 माइनस 2n प्लस ए एन कितना है 4, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ पर वज्र गुणा करेंगे अपन 1 को n के साथ और 2 को माइनस के 14 के साथ, तो माइनस का 28 इक्वल टू 6n माइनस n इंटू n, n इंटू 2n, तो माइनस का 2n स्क्वायर प्लस 4n, ठीक है। अब यहाँ पर 6n और 4n कितना हो जाएगा 10n, माइनस का 2n स्क्वायर प्लस 10n इक्वल टू माइनस का 28। ये माइनस को अपन यहाँ से हटाएंगे यहाँ से, तो ये वाला माइनस का हो जाएगा और जो जो माइनस का था वो हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये कैसे किया दोस्तों, मैंने इसको पूरी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। अब ये जो प्लस का 28 है उसको उठाकर दूसरी तरफ लाऊंगा, तो 2n स्क्वायर प्लस क्या माइनस 10n माइनस का 28 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो भाग दे देंगे 2 का सभी में, तो n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं को माइनस के 5n के इस प्रकार से टुकड़े करने पड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, माइनस का 14 हो जाए, और जोड़ने और घटाने पर वापस क्या आना चाहिए दोस्तों, माइनस का 5n। तो मैं टुकड़े करूँगा एन स्क्वायर माइनस 7n माइनस क्या प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जोड़ने और घटाने पर वापस क्या आ रहा है, माइनस का 5n आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 14 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, बाहर निकालते हैं n माइनस 7 बच गया यहाँ पर, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, प्लस का 2 कॉमन निकाला अपन ने, तो यहाँ पर बच गया n माइनस 7 इक्वल टू 0, n माइनस 7 कॉमन है, बाहर निकालते हैं, यहाँ पर क्या बच गया n प्लस 2 इक्वल टू 0। दो चीज़ें मल्टीप्लाई के अंदर है और मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो या तो n माइनस 7 बराबर 0 या n प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा n बराबर का माइनस का 2, और यहाँ से क्या आएगा दोस्तों n बराबर 7। अब यहाँ पर ये चीज़ पॉजिटिव आ रही है और ये ऋणात्मक आ रही है, क्योंकि दोस्तों n यहाँ पर क्या है प्रकार संख्या है, और प्रकार संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है, तो अपन मान लेंगे n बराबर 7, ठीक है, n बराबर 7 लेंगे अपन। अब अपने को n मिल चुका है, तो अब यहाँ से अपन a1 भी निकाल सकते हैं, तो समीकरण नंबर एक में अपन n बराबर 7 रख देंगे, तो a1 बराबर क्या है 6 माइनस 2n, 2 इंटू n के स्थान पर 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 6 माइनस 14, तो a1 बराबर माइनस का 8, कितना मिला दोस्तों माइनस का 8। आई होप की चीज़ आपके समझ आई होगी, यदि आपको समझ आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।